नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाली बेबी बूटी लेके आए हैं। इसको बिगनर भी बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाती है। और ये बेबी बूटी 1 साल तक बच्चा पहन सकता है, क्योंकि ये बनानी इतनी आसान है कि आप एक ही दिन में फटाफट बना सकते हैं। और ये देखिए, ये नीचे का पैर का बेस है बच्चे का, तो ऐसे आपने बेबी बूटी बनानी है। ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें डोरी भी डालेंगे और डिज़ाइन भी डालेंगे। ये हमने डिज़ाइन डालकर इसके फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए, ये सुंदर सा आगे हमने डिज़ाइन भी दिया है फंदे बढ़ाने के लिए। उसके बाद हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई है, 6 सिलाइयाँ बनानी है। आप अगर आपका बच्चा बड़ा है, साल का 1.5 साल का है, तो आप जे लाइनें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पैर का बेस है जे नीचे का, तो इस सिलाइयों को आप बढ़ा सकते हैं अगर बड़ी बनानी है। हमने 34 फंदों से स्टार्ट की है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ी बड़ी बनानी है तो आप 36 फंदे डालिए, 38 डालिए और 40 फंदे भी डाल सकते हैं, काफ़ी खुली है। और इसमें हमने क्रोशिए से बनाकर ये डोरी डाली है, ये फूल बनाया है क्रोशिए से, ये भी हम आपको बता देंगे। और डोरी कैसे डालनी है वो भी बता देंगे, ठीक है? तो इसको कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 34 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए, सिंपल फंदे डाले हैं जो हम डालते हैं, ये वाले फंदे आप कोई भी डाल सकते हैं, ऐसे वाले, जे वाले फंदे डाले हैं हमने, ठीक है? तो ऐसे फंदे आप डाल लीजिए। और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड क्योंकि फर्स्ट सिलाई है बेसिक, इसको हमने उल्टा ही बुनना है। उल्टा बुनकर हम कंप्लीट करेंगे ऐसे, उल्टा बुनना है, ठीक है? जी देखिए, हमने उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम राइट साइड में हैं, तो राइट साइड में भी हमने उल्टी सिलाई ही बनानी है। एक फंदा सीधा उतारिए, बाकी फंदे आप उल्टा उल्टा बुनिए। और ऐसे आपने 8 सिलाइयाँ बनानी है, 4 लाइनें बनानी है उल्टी। तो ऐसे हम उल्टा उल्टा बुनते हुए सेम ऐसी 3 लाइनें और बनाएंगे। उसके बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात हम और बताते हैं, ये जो है ना, हमने 10 नंबर पे इसको स्टार्ट किया है। तो इस बुट्टी को, वैसे भी बेबी बुट्टी को 10 नंबर पे ही बनाना चाहिए, क्योंकि इससे सॉफ्ट बनती है बहुत। बच्चों के पैर बहुत नाजुक होते हैं और पैर में पहनी हुई भी अच्छी लगती है, और सॉफ्ट सॉफ्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और गर्म भी होती है, पैरों को गर्माइश देती है। तो हम ऐसी 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, 4 लाइनें। जी देखिए फ्रेंड, हमने 4 लाइनें 8 सिलाइयाँ बना ली है, 1, 2, 3, 4। इसके ऊपर अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे और हम हाफ हाफ फंदे करेंगे। उससे इससे पहले हम पता क्या करेंगे, इससे पहले हम ये डोरी डालने के लिए 2 सिलाइयाँ बनाएंगे कि इस डोरी को हमने कैसे डालना है, ठीक है? डोरी की बनाएंगे डिज़ाइन, एक सीधा फंदा उतारा, थ्रेड घुमाया, 2 का 1 किया, ठीक है? ये जाली बना रहे हैं हम, थ्रेड घुमाया, 2 का 1 किया, सीधी सिलाई, थ्रेड घुमाया, 2 का 1 किया, थ्रेड घुमाया, 2 का 1। पूरी सिलाई हमने ऐसी ही बनानी है। जो देखिए, लास्ट में हमने थ्रेड घुमाया और 2 का 1 किया, ठीक है? और लास्ट वाला फंदा सिंपल बुना। अब हम आते हैं, एक जाली डल गई है डोरी डालने के लिए। अब हम रॉन्ग साइड पे आते हैं। रॉन्ग साइड पे हमने पूरे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। इस फंदे को ऐसे पीछे से ऐसे बना लेना है, जाली वाले को, फिर ऐसे पूरी सिलाई, जो हमने जाली डाली थी वो फंदा भी बुनना है ऐसे पीछे से, ठीक है? तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। जी देखिए, हमने जाली डाल ली है, 17 फंदे हम इधर करेंगे, 17 फंदे इधर बुनेंगे। तो हम पहले डिज़ाइन डालने के लिए आगे वाला 17 फंदे बुनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7,
आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, 16 और 17। 17 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम डिज़ाइन डालेंगे जहाँ पे जे हमारा हाफ है, तो हमने क्या करना है, 15 फंदे बुनने हैं पहले, क्योंकि जे हाफ है, जहाँ हम मार्क लगा लेंगे। जहाँ हमने मार्क लगा लेना है, तो हमने 17 फंदे हैं हमारे टोटल, हम 15 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे अभी नहीं बुनेंगे, ठीक है? तो 15 फंदे हमने बुने। अब हमने सीधा ही 2 का 1 करना है ऐसे, फिर बीच में थ्रेड दे देना है और दोबारा से उन्हीं 2 फंदों में से 3 फंदे बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद हमने मार्क किधर करना है, और आगे 2 फंदे जो हैं उसको बैक साइड से हमने 2 का 1 करना है ऐसे, बैक साइड से 2 का 1 किया, इस थ्रेड को आगे किया और फिर 2 का 1 किया, तो हमारे 3 फंदे इधर बन गए। ये मार्क है ना, इसके इस साइड देखिए, 3 फंदे इधर हैं, 3 फंदे 2 में से इधर बन गए। बाकी 15 फंदे हमने सिंपल बुनने हैं, तो हम 15 फंदे सिंपल बुनेंगे, ठीक है? अब आते हैं इसकी रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे, हर बार उल्टी बुनेंगे, सीधी पे हम फंदे बढ़ाएंगे और डिज़ाइन भी डाल लेंगे, तो हम पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे, तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा, हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। जो तीनों फंदे थे उनको बारी बारी से बुनना है, तो हमारे 18 फंदे इधर हो गए, अब 18 इधर हो जाएंगे, और मार्क हम बीच में ही रखेंगे, और जेब वाले जो ये 2 फंदे कम करके 3 बनाए थे उनको भी बारी बारी से हमने बुन लेना है ऐसे, तो पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब हमारी राइट साइड है, तो हम जहाँ तक फंदे बुनेंगे मार्क तक 2 फंदे छोड़ के बाकी फंदे सीधे बुनेंगे, तो हम सीधे बुनकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ हमने जहाँ हाफ किया था उससे पहले जो 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा 2 का 1 करना है, फिर हमने बीच में थ्रेड ऐसे आगे लेके आना है, फिर दोबारा से 2 का 1, एक फंदे में से 3 फंदे बनाने हैं, ठीक है? फिर मार्क को हमने इधर ले आना है, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ तक, बीच का हाफ पार्ट कौन सा है। उसके बाद फिर हम जो फर्स्ट वाले 2 फंदे हैं इनको पीछे से 2 का 1 करना है, 2 का 1 किया, फिर हमने थ्रेड आगे रखना है और 2 का 1 करना है ऐसे, एक में से 3 फंदे। अब आगे सिंपल फंदे बुनने हैं हमने, बिल्कुल सिंपल, और वो रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग ही बुनते हुए सारे फंदे बुन लेंगे और हमारे फंदे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमने रॉन्ग साइड में बुनना है तो हमने मार्क को का ध्यान रखना है, फिर हमने ऐसे पूरे बाकी के फंदे भी बुन लेने हैं, मार्क हमने बीच में ही रखना है। जी देखिए, जहाँ तक हमने बुन लिया है, जहाँ हमारा मार्क है, जहाँ से हमारा ये डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है, अब फिर हम हर बार ऐसे ही करना है, 2 का 1, थ्रेड अपनी तरफ किया, फिर 2 का 1, उसी 2 का 1, एक में से 3 फंदे निकाल ले। अगर आपने मार्क रखना है रखिए, वरना आपको अब जहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमने जहाँ पे ऐसे ही करना है, तो हम मार्क निकाल देंगे और इस फंदे को और इस फंदे को, आगे वाले जो मार्क के बाद आते हैं, इधर वाले डिज़ाइन अलग है, इधर वाला ये देखिए अलग है। अब इस 2 फंदों को हमने पीछे से ऐसे एक बार थ्रेड आगे करना है, फिर दूसरी बार बुनना है, तो हमारे 3 फंदे बन जाएंगे, 3 फंदे जे हैं, 3 जे, स्टार्ट हो गया डिज़ाइन।
अब हमने बाकी के फंदे ऐसे बुनने हैं, तो हम ऐसे ही बुनते हुए आपको बताएंगे, ऐसे बुनते हुए हम डिज़ाइन इतना बुन लेंगे, इतनी लाइनें, ये देखिए इतनी लाइनें हम बुनकर फिर आपको दिखाएंगे कि हमने ये कितनी लाइनें बुनी है। ठीक है, बस आप ऐसे ही हर बार बुनते जाइए और इसकी लेंथ बना लीजिए, ये देखिए। ये देखिए हमने 10 लाइनें बनाई है डिज़ाइन की, ये वाली जो बीच में स्पेस आती है ना, वो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10वीं है। तो 10 बार हम बढ़ाएंगे फंदों को और हम इसको बुन लेंगे। इतनी लेंथ रखने के बाद, 10 जालियां रखने के बाद बीच वाली, तो हम उल्टी सिलाई पूरी बनाएंगे, उसके बाद हम उल्टी उल्टी लाइनें बुनेंगे। ठीक है, ऐसे पूरी सिलाई बनाकर दिखाते हैं। ये बुनने के बाद 10 सिलाइयां, 20 सिलाइयां, 20 सिलाई बुनने के बाद 10 बार हमने बढ़ाया है, तो हमारे 10 फंदे इधर बढ़ गए, 10 फंदे इधर बढ़ गए। अब हमने क्या करना है, उल्टी सिलाई बुननी है, क्योंकि हमने नीचे का बेस बुनना है, तो हम ये सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए जब हम बढ़ाते हुए जहाँ पर आए हैं, तो जहाँ आकर जहाँ हमने फंदे बढ़ाए थे, 2 का 3 किया था, वहाँ हम 2 का 1 करेंगे उल्टा फंदा बुनकर। फिर आगे हमने 2 के 3 किए थे, तो वहीं पे हम 2 का 1 करेंगे, बस एक बार ही करना है, 2 का 1, 2 का 1, बाकी हमने पूरा सिंपल बुनना है उल्टा। ऐसा बुनने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पूरी उल्टी ही बुनेंगे। जो देखिए एक लाइन उल्टी बुनी है, एक लाइन उल्टी और बुनेंगे, ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे जहाँ तक। जो देखिए जहाँ भी हम आकर 2 का 1 करेंगे इस डिज़ाइन से, ये डिज़ाइन दिख रहा है ना आपको, इसके इधर एक बार, फिर 2 का 1, 2 बार, 2 बार हमने किया। अब बाकी सिलाई हम पूरी ऐसे बुनेंगे और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। अब हम थर्ड लाइन बनाएंगे, इसमें हमने जहाँ पे कम नहीं करने हैं, पूरी लाइन ही हम सिंपल बुनेंगे, क्योंकि ये हमारी थर्ड सिलाई है, थर्ड लाइन है और 5th सिलाई है। ठीक है, तो हम इसको पूरा ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए अब हमने 3 लाइनें बुन ली है, हम रॉन्ग साइड पे हैं, अब हम इसको बाइंड कर देंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, तो ऐसे हम पूरी बूट को बाइंड कर देंगे। ठीक है, ऐसे, ये देखिए हमने बाइंड कर लिया है, और जितना थ्रेड हमें चाहिए उतना हम रख लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि हमने इसको ऐसे सिलाई करनी है, इधर की और इधर की। तो ये देखिए फ्रेंड कैसे बन के आया है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ से ऐसे इसकी शेप आएगी, पूरा हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी शेप कैसी आती है। ये जो लाइन है ना, ऐसे बनती है, तो ऐसे आपने शेप तैयार रेडी करनी है, उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है और इसकी सिलाई करनी है। सिलाई आपने जो हमने चेन बनाई है उसको आपस में पकड़कर ऐसे ही कर दीजिए, इससे इसको पकड़िए ऐसे और ऐसे आप सिलाई कर दीजिए पूरी, और इधर की सिलाई भी आपने करनी है, तो हम आपको सिलाई करके फिर डोरी बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा पीस आपने रेडी करना है। ये हम आपको इंची टेप से भी नाप कर दिखा देते हैं, क्योंकि कई मेरे व्यूअर्स जो होते हैं वो सिलाई से नहीं,
इंची टेप की हेल्प लेते हैं कि भी हमें कितना पीस चाहिए। तो ये देखिए जो हमने बॉर्डर बनाया है वो 2 इंच का है, 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने इसकी टोटल जो बीच वाला पीस है वो 6 इंच है और 2 इंच आके बनाया है और टोटल 10 इंच है, 6 इंच बीच वाला, 2 2 इंच का बॉर्डर। तो हमारा ये 10 इंच बनेगा पूरा रेडी। जब हम बूट इस ऐसे रेडी करेंगे तो जो इसकी शेप आएगी वो देख लीजिए, वो शेप 11 इंच की आएगी। और जो नीचे का पैर का बेस है उसकी जो लेंथ है वो भी 11 इंच ही आएगी, ठीक है। तो राजे ऐसे आपने रेडी करना है और सिलाई करनी है। जी देखिए फ्रेंड, ऐसे आपने सिलाई करनी है। जो हम चेन बनाते हैं बाइंड करते वक्त वो उसी को ही, ये चेन है फिर दूसरी तरफ है, तो हम फर्स्ट वाली ए वाली और जे वाली दोनों चेन लेकर इसकी सिलाई कर, जे जैसे बनी है जे आ लास्ट वाली और लास्ट वाली, तो ऐसे ही हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने से भी बड़ी बहुत सुंदर बनता है, खूबसूरती आती है ऐसे, ठीक है जी। देखिए फ्रेंड, हम राइट साइड से ही सिल रहे हैं तो ऐसा डिज़ाइन सा बन के आता है, आप ऐसे बना सकते हैं। जी देखिए एक पीस इधर का लास्ट वाला, हाँ जे जे चेन का और जे लास्ट वाला ऐसे। जी देखिए लास्ट में हमें गुलाई देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम इकट्ठे फंदे लेकर सिलाई करते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने 2 2 फंदे कम किए थे तो हम लास्ट तक इसको ऐसे ही सिलेंगे। जी देखिए कितना खूबसूरत। आप अपने जब भी सिलाई करते हैं तो आप उसी हिसाब से सिलाई कीजिए जिस हिसाब से आपका डिज़ाइन बना हो, तो हमने ऐसे की है। अब हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आकर हम इसको पक्का कर देंगे, ठीक है। नीचे से देखिए, नीचे से भी वैसी ही सिलाई दिख रही है, ठीक है। ऐसे फिनिशिंग से सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए फ्रेंड, ये कितनी सुंदर बनी है। सिलाई हमने कर दी है, साइड की भी कर दी है, इधर की सिलाई भी देखिए लाइन से लाइन जोड़ी है उल्टी, और फिनिशिंग से सिलाई कीजिए। अब इसमें डोरी डालनी है, जैसे हमने इसमें डोरी डाली है, ये देखिए कितनी सुंदर डोरी है, आगे को ही डाली है, आगे को बांधे गए दोनों फ्लावर बनाए हैं हमने सुंदर से। ये हम आपको बता देते हैं कि हमने कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो इस डोरी को डालना कैसे है, हमारे व्यूअर्स की हमें बहुत फरमाइश आ रही है कि इस डोरी को डालना कैसे है। उन्होंने हमें बार बार पूछा है कि हम डोरी को डालकर दूसरी तरफ, एक तरफ तो हमने फूल बना लिया और डोरी स्टार्ट कर दी, दूसरी तरफ हमने डोरी कैसे बना, फूल कैसे बनाना है। जो देखिए हमने ये डोरी डालनी है, डोरी के लिए हमने इसीलिए ये बनाया है कि हम आपको बता सकें। तो हमने क्या करना है, पहले फूल बनाना है जी। क्रोशिए का फूल तो आपको बनाना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आज हम आपको साथ में बता देंगे। जे हमने फिर डोरी बनाई है, जैसे हमने जितनी डोरी चाहिए उतनी बना ली है। अब डोरी बनाकर हमने क्या करना है, जैसे हमारा क्रोशिया है हम दिखाते हैं, हमने ना बिल्कुल सिंपल डोरी बनानी है, जैसे हमारा क्रोशिया है ना, तो हमने ऐसे एक एक पीस लेना है, ऐसे एक एक ऐसे डोरी बनानी। जब हमारी डोरी बन जाती है, पहले हम फूल बनाते हैं, कोई भी फूल बनाइए, छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, जब फूल बन जाता है उसके बाद हमने डोरी डालनी होती है, तो हम ना इसको सेफ्टी पिन में ले लेते हैं, इस पीस को ऐसे ले लिया, फिर इसको हम बाइंड कर देते हैं सेफ्टी पिन को, उसके बाद हम सेफ्टी पिन से इसमें डोरी डालते हैं। अगर तो सिंपल है तो सिंपल में जैसे जहाँ डोरी डालनी है तो हम सिंपल ही ऐसे पीस को ऐसे करके आराम से छोटा सेफ्टी पिन लेना है, तो ऐसे हम सुराख कर लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कहीं से वूलन ख़राब होएगी, है ना। तो हम ऐसे डोरी बना लेते हैं, ठीक है।
अब हमने डोरी डालने के लिए होल बना ही लिया है, तो हम क्या करेंगे? हम जहाँ से ऐसे डालेंगे, फिर आगे इसको दबाएंगे, एक पीस को एक में डालेंगे, एक को दबाएंगे, फिर निकालेंगे। अब ये लास्ट सिलाई है जो हमने की है, अब देखिए ऐसे निकाल लेंगे। और साथ में हमारा थ्रेड भी आ रहा है, क्योंकि थ्रेड से हम बना रहे थे तो थ्रेड साथ में ही आएगा। जी देखिए गोला है और थ्रेड साथ में आ रहा है। फिर ये जो सिलाई है ना, इसको दबाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे, चाहे एक एक पीस निकालिए ऐसे, तो साथ में निकालते हैं ये आप, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कहते हैं आप बेबी बूट तो बनाते हैं, डोरी कैसे डालते हैं और लास्ट में फूल दोबारा ऊन लगाते हैं, वूलन लगा के बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने ऐसे देखिए डोरी डाली। अब जितनी डोरी हमें चाहिए उतना हम रख लेंगे, जैसे इसमें हमने डाली है, तो हम पहले इससे नाप लेंगे, उतनी ही और बनाएंगे। ठीक है जी, देखिए इतनी डोरी इधर से हमारी जे इसके नाप की आ जाएगी, तो हमें इतनी डोरी चाहिए। अब इतनी डोरी हमें चाहिए, हमने ज़्यादा बना ली है तो हम इसको उतनी खोल देंगे। हमने आपको अभी बना के दिखाई ना, इतनी डोरी हम खोल लेंगे। जी देखिए हमें इतनी डोरी चाहिए थी ना, उतनी हमने बना ली है। लेकिन जब हमने डोरी डाली तो थ्रेड हमारा, जी देखिए जब हमने डोरी डाली थ्रेड हमारा साथ में ही गया है, इसके साथ साथ थ्रेड, ये देखिए जहाँ पे हमारे साथ ही है, हमने थ्रेड को काटा नहीं है। अब हमने जहाँ पे फूल बनाना है तो हम फूल बनाएंगे। फूल बनाने के लिए जिसको क्रोशिया आता है वो समझ जाएंगे। अगर आपने जहाँ पे चार पीस निकालने हैं और सिंपल ऐसे, एक दो तीन चार, चार पीस निकाल के जहाँ पे अटैच करना है, वापस अटैच किया, अब इसको हमने निकालना है। ये जो फूल बनाया है वो कैसे बनाया है वो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। अब इसको ना थोड़ा पलटाना है ऐसे, अब इसी में से हमने फूल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीन पीस निकाल लेंगे, एक दो तीन, तीन पीस निकाल ले। फिर हम ऐसे लेंगे क्रोशिए में थ्रेड को और इस गोलाई में से फूल निकाल लेंगे, ऐसे निकाला। पहले एक बार फूल बना लूप में से निकाला, फिर दूसरी बार दो में से, फिर लास्ट में तीसरी बार दो में से, फिर एक बार ऐसे लिया थ्रेड को, ऐसे लिया, फिर इसी में से ही निकाला ऐसे, एक बार इसमें से निकाला पीस लूप में से, फिर दूसरे दो में से, फिर तीसरे दो में से, है ना। फिर ऐसे लेना है पीस को, फिर इसी में से निकालना है एक बार, फिर उसको एक पीस में से ही निकालना है, फिर दूसरे में से दो, फिर तीसरे में से दो। तो ऐसे आपने निकालते हुए, अब तीन पीस हो गए हैं। एक तो हमने चेन बनाई थी, एक दो तीन, इसके बाद फिर हम तीन बार बनाएंगे, एक दो तीन, फिर इसको हम जहीं पे अटैच करेंगे सिंगल लूप से। ये हमारा एक फूल बन गया। ठीक है, अब देखो थ्रेड इसके साथ है, हमें और थ्रेड चाहिए, इसी में से ही हम और थ्रेड खींच लेंगे ऐसे ऐसे, जो थ्रेड हम खींच रहे हैं ऐसे इसी में से जी, तो इसी में से थ्रेड खींच खींच कर हम पूरा फूल बना देंगे। तो जैसे ही एक फूल बना, आगे फिर हमने एक दो तीन, तीन बार बुना, थ्रेड घुमाया, घुमा लिया, फिर वही वैसे ही करना है, एक बार दो बार तीन बार, तीन बार पीस निकाला इसमें से, फिर ऐसे लिया, एक बार दो बार तीन बार, जितने आप जहाँ पीस बनाना चाहे बना सकते हैं। दो तीन बनाने हैं तो हम तीन बनाएंगे।
तो हमने ये तीन बना लिए, दो बार और फिर दो में से, तो तीन पीस हमारे रेडी हो गए। अब हमने तीन पीस फिर लेने हैं, एक लूप, दो और तीन, और इसको हमने लेते हुए इसके साथ अटैच करना है ऐसे, ठीक है। अब ऐसा ही फूल एक और बनाना है, क्योंकि इसमें देखिए तीन फूल बने हैं ना, तो तीन ही हमने बनाने हैं। अब देखिए थ्रेड हमें फिर कम पड़ रहा है, इसी गोले में से ही थ्रेड खींचेंगे, ये देखिए है ना। ऐसे थ्रेड हम बाद में काटेंगे जब हमारा फूल रेडी हो जाएगा। जैसे दो बने हैं, एक और बनाना है। जी देखिए तीन बार ये भी बना लिए हैं। अब फिर तीन पीस निकाल लेंगे, एक दो तीन, और इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, और हमारा फूल रेडी हो गया। अब जहाँ पे हम बाइंड कर देंगे, जी हमारी डोरी का पीस है, जही है हम इसको काट कर निकाल लेंगे इसमें। अब हमने थ्रेड काटा है, ये देखिए अब हमने थ्रेड काटा है, पीस बन गया। इसको हम इसी के अंदर सुई से चाहे क्रोशिए से पक्का कर देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब हमारी ये डोरी देखिए तैयार होगी। आपने देखना है कि हमने एक गोले का थ्रेड जो काटा है, तो हम अब इसको गोले को खींच लेंगे, पीस को ऐसे खींच लिया, आ गया बाहर ऐसे। तो गोले को से ऐसे हमने साथ में ही सेफ्टी बिन में डालना है, और हमारा ये रेडी हो गया है। अब इस डोरी को आप बांधिए ऐसे, दोनों दोनों फूल बन गए हैं। फूल बनकर तो वैसे भी बहुत सुंदर लगती है, वैसे भी जब हम बच्चों को बूट पहनाते हैं, अगर डोरी ना हो, अगर उसके साथ डोरी ना हो, तो वो ना उतर जाते हैं पैर से। तो ऐसे करके आपने बूट बनाना है, जी देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ना। तो ऐसे करके आप बूट को बना लीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।